तो भाई मैं क्या बताऊं, सामने ये पिंक घर देख रहे हो, पिंक घर, वहां से इस बंदे ने ऐसे मारा उसे और एकदम टेलीपोर्ट होके मेरी तरफ आ रहा था। भाई मेरा रिएक्शन जो था ना वो ये था। वो मेरी मौत है, मौत। कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कहां से बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर, वो गाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है। के बाद आप जानते ही हो फिर क्या हुआ मेरे साथ। तो ये पहले का सीन नहीं है, ये मेरा पहला क्लिप है जो मैंने 3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, वो भी एंड टाइम पे जब मैं मर गया। और भाई मारा तो ठीक है भाई, मेरे कपड़े भी ले लिए 1 करोड़ रुपए के। ओ यार, तब ज़्यादा बुरा लगा मुझे। ये पहली रिकॉर्डिंग थी 3 दिन की, अब मैं आज की दिखाता हूँ। पिछली बार में मैं यहीं बैठा था और मैं भाई जब कीबोर्ड पे इसका नाम देख लिया था ना भाई, मैं समझ गया था भाई मेरा कटने वाला है। और बस सोच ही रहा था कि कॉल आ गया था किसी का, तो मैं बात करने लग गया। बस उसी वक्त एक आवाज़ आई और एकदम अड़ाक से, और फिर मेरे साथ वही हुआ। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई 3 दिन पहले भाई इसको रिपोर्ट भी गया था, मतलब 50 बंदे ये हर बार मार रहे हैं, 50 बंदों का रिपोर्ट जा कर आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई पैन 2.2 भाई अभी भी स्कैन ही कर रहा होगा, मेरे को लिटरली लग ही रहा है। और ये हर बंदे को ऐसे मसल रहा है जैसे वो गाड़ी नहीं आई थी थर्ड अंडर कार में, बिल्कुल ऐसे मारे जा रहा है, बस ठोकते ही जा रहा है, उसी स्पीड से भाग भी रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं इसमें, कोई वैसे फ़र्क पड़ता नहीं है कि भाई मेरा तो कॉन्करर खुश हो चुका है। मैं तो भाई वैसे भी फर्स्ट टाइम था, मैं जा चुका हूँ कॉन्करर और मेरा जो भी टाइम गया है मेरे वर्थ इट लगता है। बस मैं तो भाई अपना ऐसे ही खेल रहा था, अभी भी तो मेरा शायद रैंक होगा 600 या 700 करीब होगा। एक तो कहीं जाके ना क्लिप भी नहीं भेज सकते ना इनको कि भाई ये क्लिप देख लो भाई, इसकी वजह से भाई कितने बंदे, देखो 50 बंदे तो हर लॉबी में मार रहा है ये बंदा। तो भाई तुम समझ सकते हो भाई, इसी को अगर कोई जानता है भाई BGMI वगैरह सेंड कर सकता है तो भाई क्लिप भी भेज सकते हो, बैन करा दो भाई से, नहीं तो ऐसे कितने लोगों की लॉबी खराब कर रहा है ये। ऐसा नहीं है, जब मैं कॉन्क्रीट में पुश कर रहा था बीच में बहुत सारे, मतलब एक मैच में मेरे को 2 से 3 बंदे भाई बैन होते हुए दिखे हैं मेरे को लाइव बोर्ड में, और बंदे भी उसी लॉबी में खुश भी होंगे। बट पर मैच बैन हो रहे थे, इतने बंदे हैक कर रहे थे हर मैच में भाई, 2 बंदे एक बंदा भाई बैन होते हुए दिख ही रहा था। ऐसे ऐसा नहीं है बैन नहीं हो रहे भाई, बैन हो रहे हैं, बट कुछ जो है ना जो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव इनके चीटर्स के हैक्स होते हैं वो भाई नहीं डिटेक्ट कर पाते, वो ज़्यादा ही एडवांस होते हैं, ज़्यादा मतलब पैसे खाए हैं ना तो भाई वो एक्सपेंसिव ज़्यादा ही है, तो उनको ना ये डिटेक्ट कर ही नहीं पाते, इसी वजह से ये लोग ना बच जाते। कितना भी रिपोर्ट कर लो भाई उनके डिटेक्शन सिस्टम में भाई जाता ही नहीं कि ये इतने सारे इस ID पर रिपोर्ट आ रहे हैं, जाके चेक कर लें एक बार, नहीं हमको तो चेक करना ही नहीं, बस ऐसे ही चलता रहेगा वो भाई, या तो किसी और की ID लेके भाई किसी का पेट पूछ कर रहा है और ऐसे इनको बैन भी नहीं लगता और ये ऐसे सालों भर चलता रहता है। कोई सीन बस यही सीन है इनका।